अगर आप पब्लिक इकोनॉमिक्स इग्नू एमए सेकेंड ईयर जो पेपर वन एमएसी 106 है, जो पब्लिक इकोनॉमिक्स इसका टाइटल है, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं हुआ है और आप जून 2021 टर्म इन एग्जामिनेशन अपियर होना चाहते हैं, मात्र 12 to 15 days में आप इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे। और मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक है इस बार की परीक्षा के लिए, कहने का मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021। इन एडिशन टू दिस, अगर आप कोई अदर यूनिवर्सिटी से भी एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और आपका कोर्स कोड अगर पब्लिक इकोनॉमिक्स है, तो ये मेजर कॉमन वीवीआई मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। इसको आप करके अपना एग्जाम इजिली 60 to 70% प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं मात्र 15 दिनों में। और इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि कौन सा बुक से आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा यह पेपर। सिर्फ उसका टॉपिक पढ़ना है, 600 पेजेस का बुक है, लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको रॉल्स पढ़ना है तो रॉल्स का थ्योरी आपको पढ़ लेनी है। और मैं लास्ट में एक ऐसा बुक बताऊंगा जिसमें इतना इजी लैंग्वेज से लिखा गया है कि आप एक बार पढ़ोगे तो आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं, मैंने 12 जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक जो पब्लिक इकोनॉमिक्स में चूज किया है, मैं स्टार्ट करता हूं। और देखना, एक रॉल्स नोजिक्स एंड बुचानन कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी, ये तीनों में एक निश्चित है, कभी कभी दो मिला के भी पूछता है, आप देख लेना इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, 006 अब खत्म हो गया है, 106 नया वाला ही पढ़ना है। दूसरा है, मैंने चूज किया हूँ इंटरनेशनल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, अक्सर ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। आप कोई भी इवेंट आप 10-20 में कर लोगे तो आराम से 60-70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो जस्ट 12 days, ठीक है। तीसरा हमारा पब्लिक डेट, इंटरनल एक्सटर्नल एंड मेथड टू रिपेमेंट, ठीक है। पब्लिक डेट पढ़ लेना, इस पर तीनों पर आपको प्रिपेयर करनी है नोट्स। वेलफेयर गेन फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन, ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी, क्योंकि अभी हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स फेस कर रहा है, क्या कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, ठीक है। पांचवा है क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। छठा है मुंडेल फ्लेमिंग फ्रेमवर्क, ये काफी रिपीट होता है ये सब क्वेश्चंस। लिंडाल एंड सैमुअलसन मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक गुड्स, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक गुड्स। वेलफेयर कंसेप्ट, सोशल वेलफेयर फंक्शन, ये करनी है। पब्लिक प्राइवेट मेरिट डिमेरिट गुड एक्सटर्नलिटीज इसका टैक्स एंड फ्री राइडर प्रॉब्लम। एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। एंड फाइनली आपको करना है इम्परफेक्ट कंपटीशन, इनहेंस ओवरऑल सोशल वेलफेयर। तो यहाँ 12 टॉपिक आपको नजर आ रहा है, इवन आप 10 भी कर लोगे, आपके पास 10 days का प्रिपरेशन करने के लिए, मात्र 4 to 5 hours पर डे, तो आप इजिली इस पेपर में 70+ 60+ इजिली निकाल लोगे, स्कोर कर लोगे। ये डिपेंड करता है आपकी हैंडराइटिंग कितना नीट एंड क्लीन, आपका एक्सप्रेशन कैसा होता है, राइटिंग स्किल क्या है, ये सब पर डिपेंड करता है, उतना ही ज्यादा मार्क्स आएगा। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसका तैयारी के लिए इग्नू का बुक उठाओगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, शायद क्या बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे गैप है, मतलब एक स्टेप के बाद सीधे पांचवा स्टेप में जंप किया गया, जिसके कारण बच्चों को नहीं समझ में आ रही। इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ ये बुक एक बार ले लोगे, परचेस करोगे तो आपको यूजीसी नेट से लेकर यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इवन किसी भी कंपटीशन में, इवन आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स में फाउंडेशन के लिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, और जिसका मैं नाम लिखने जा रहा हूं, इंटरमीडिएट पब्लिक इकोनॉमिक्स। काफी मोस्ट पॉपुलर बुक है ये, बेसिक टू एडवांस लेवल तक का आपका कवर कर, पब्लिक इकोनॉमिक्स।
राइटर का नाम आपका जीन हाइंड्रिक्स एंड गैरथ डी न्यूज। ठीक है, इसके बाद आपको एडवांस लेवल का मैक्रो इकोनॉमिक्स समझिए, इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो इग्नू का जो पेपर 6 है, एमईसी 106, वो क्या है भाई, इंटरमीडिएट प्लस इंट्रोडक्टरी प्लस एडवांस लेवल है। और ये बुक में दोनों है, लेकिन कहने का मतलब है कि इसमें बहुत ही प्रेजेंटेशन लूसिड एकदम क्लियर कंसेप्ट आपका हो जाएगा, एक बार पढ़ोगे तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो और थोड़ा सा मैथमेटिकली इसमें आपको यूज किया गया है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो चाहे बीए का स्टूडेंट हो या एमए का स्टूडेंट हो, कैलकुलस ऑफ लीनियर अलजेब्रा आपको आनी चाहिए। और हम इसका प्रेजेंट भी कर रहे हैं क्लास, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। और आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर पब्लिक इकोनॉमिक्स पेपर, ठीक है, आपका बेटर प्रिपरेशन हो, बेटर स्कोर हो, और आपके पास अभी प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी फॉर एग्जामिनेशन अभी नहीं होने जा रहा है, कम से कम सितंबर का किसी भी वीक से स्टार्ट हो सकती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले साल पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बोलूं तो 17 सितंबर से पिछले साल 2020 में जून 2020 का एग्जाम कमेंस हुआ था, शुरू हुआ था। आई होप कि उस बार भी कोविड रिपीट किया था और इस बार भी एग्जाम उसी समय रिपीट होगा, ऐसा किया जा रहा है, यह स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।